तो क्या है दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने विक्रम वेदा का जो टीज़र है वो रिलीज़ हो चुका है। हालांकि इसको ट्रेलर नहीं कहेंगे, इसको टीज़र मैं कहूँगा, क्योंकि बहुत कम ऐसी चीज़ें हैं जो ये मूवी के बारे में रिवील करता है। मूवी के बारे में जो रिवील करता है वो बस ये है कि मूवी में बहुत ज़्यादा एक्शन है और एक चोर और पुलिस की कहानी होने वाली है। लेकिन उसकी बैकग्राउंड क्या है, उस वो कहानी कहाँ से शुरू होती है, कहाँ ख़त्म होती है, इस बारे में टीज़र में कुछ भी बताया नहीं गया है। और मैं चाहता यही हूँ कि अब इसका कोई ट्रेलर भी ना आए, मतलब ये टीज़र तक हमें देखने को मिले, इतना ठीक है। ये हमें मूवी के लिए ट्रेलर ने थोड़ा एक्साइट कर दिया, अब सीधा हमें मूवी देखने को मिले। कोई बीच में एक ट्रेलर आ करके मूवी को इससे ज़्यादा रिवील ना करे, जो कि मेरे हिसाब से कोई अच्छी चीज़ नहीं होगी, पॉजिटिव चीज़ नहीं होगी। वो एक मूवी के एक्साइटमेंट ख़त्म करने वाली चीज़ होगी अगर किसी ट्रेलर ने आकर के और भी ज़्यादा डिस्क्राइब कर दिया मूवी को कि मूवी में क्या होने वाला है। और टीज़र की बात करूँ तो टीज़र बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग लग रहा है और एक्साइट कर रहा है मूवी को देखने के लिए। आपको एक्साइट कर रहा है कि आप सिनेमा में जाकर के मूवी देखो। और सैफ अली खान की जो एक्टिंग रहती है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है, वो बहुत ही ज़्यादा कमाल के एक्टर हैं। और ऋतिक रोशन उनके साथ है, तो ये जो डियो है, ये मैंने मेरे याद नहीं कि मैंने किसी भी फिल्म में एक साथ इन दोनों को कब देखा था, या एक्चुअली मैंने इन दोनों के साथ कभी फिल्म में नहीं देखा। और मुझे नहीं लगता कि शायद कोई फिल्म ऐसी बनी भी है जिसमें ये दोनों एक साथ थे, या अगर बनी भी है तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं कि ऐसा कैसे कोई मूवी है जो मैं पहले देख कर देखूँ समझ पाऊँगी किस तरह की केमिस्ट्री मुझको देखने को मिलने वाली हो रही है। ऋतिक रोशन के अगर लुक की बात करें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट लुक कर रहा है और बहुत ज़्यादा एक्साइट भी कर रहा है वो मुझे मूवी को देखने के लिए। और दोनों ही एक्टर जो है वो अपीलिंग लग रहे हैं और ये प्रॉमिस कर रही है मूवी कि आपको बहुत ही अच्छा और ज़्यादा एक्शन देखने को मिलने वाला है। और बैकग्राउंड म्यूज़िक की अगर मैं बात करूँ तो वो बहुत ही ज़्यादा कमाल का बैकग्राउंड म्यूज़िक देखने को मिला। और ऐसी ही बहुत सारी चीज़ें थी मूवी में। जो ओवरऑल टीज़र की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग टीज़र है, मूवी के लिए एक्साइट करता है। कैरेक्टर्स दोनों जो भी मेन कैरेक्टर्स हैं मूवी के, वो दोनों का लुक भी बहुत ज़्यादा एक्साइट कर रहा है। हालांकि सैफ अली खान की जो मुझे एक्टिंग लगी वो मतलब वैसी है जैसी वो करते आ रहे हैं, कोई इतना ज़्यादा मुझे मेजर चेंज उसमें देखने को नहीं मिला है। हाँ, या फिर उनका रोल ही मूवी में ऐसा है। लेकिन ऋतिक रोशन का जो लुक है उसको देख करके लगता है कि हाँ, इस मूवी में कुछ बहुत ही ज़्यादा अलग ट्राई करने की कोशिश करेंगे। तो इतना लंबा ट्रेलर नहीं था कि मैं बहुत ज़्यादा बात कर पाऊँ, इतनी बात करते हैं और इसी के साथ वीडियो में भी ख़त्म करते हैं। आपको कैसा लगा टीज़र देख कर, क्या मज़ा आया आपको, क्या आप सोचते हैं टीज़र के बारे में, प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं। और तब तक के लिए फिर मिलते हैं।